दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और विकेट कीपर संजू सैमसन को दुनिया का बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला T20 का मुकाबला। दो टेस्ट मुकाबले हारने के बाद बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज और कप्तान यानी कि बांग्लादेश की पूरी टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और तीनों के तीनों T20 के मुकाबले हर हाल में जीतना चाहती है। लेकिन दोस्तों पहला T20 का मुकाबला जब खेला गया तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर संजू सैमसन का तूफाया। आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव ने 100-200 नहीं बल्कि तिहरी शतकीय पारी खेल डाली और बांग्लादेश की टीम की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रोते बिलखते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच पहला T20 का मुकाबला सांख रोक देने वाला काफी घातक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसको देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पूरी की पूरी टीम को कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर कर रख दिया। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच जब पहले T20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का मौका दिया। सूर्य कुमार यादव के इस फैसले से बांग्लादेश के कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए। उन्हें लगा कि पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला है तो 100-150 रनों के भीतर पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को ढेर कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और सब कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी रही। मैदान पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिनका बल्ला IPL 2024 में तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चला था। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका अभिषेक शर्मा ने भी ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और घातक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। पहले ओवर की छठी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने फिर एक गगनचुंबी 116 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक फिर संजू सैमसन को दी। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका लगा दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक दूसरे की मदद से आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब अभिषेक शर्मा यहां पर 33 रन ठोक करके तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों जैसे ही यहां पर अभिषेक शर्मा आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। जैसे ही सूर्य कुमार यादव आए, तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर संजू सैमसन 47 यानी कि 47 रन ठोक करके आउट हुए। मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के दो बल्लेबाज जब आउट हुए तो शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। चौथे ओवर की पहली बॉल पर सूर्य ने छक्का ठोक दिया, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य ने फिर एक चौका ठोक दिया, चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्य ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। शिवम दुबे ने चौथे ओवर की पांचवीं बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका लिया और छठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। दोस्तों सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में पांचवें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो वहीं छठे ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, छठे ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्य ने फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, छठे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। शिवम दुबे ने छठे ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों शिवम दुबे यहां पर कैच आउट का सामना कर बैठे। भारतीय टीम में सनसनी छा गई जब शिवम दुबे महज 22 रन ठोक करके आउट हुए और पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। दोस्तों शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो T20 का उपकप्तान है और आप सभी को बता दें काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है। अब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से
चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, छठे ओवर की पांचवीं बॉल पर हार्दिक पांड्या ने आते ही छक्का ठोक दिया और छठी बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया। शिवम दुबे के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने सातवें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दी। हार्दिक पांड्या ने सातवें ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, सातवें ओवर की पांचवीं बॉल पर पांड्या ने दौड़कर दो रन लिया, स्ट्राइक अपने पास रखी और छठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ले लिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को आउट करने के लिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर रन कम ले रहे थे, छक्के पर छक्के चौके पर चौके ज्यादा ठोक रहे थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, दो टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम ने जीते लेकिन तीन टी20 मुकाबले सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में लगातार जीतना चाहते थे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, यहां पर सूर्य कुमार यादव ने नवे ओवर की छह गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार छह गेंदों पर गगनचुंबी छह छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने खड़े होकर के सूर्य कुमार यादव को सलाम ठोका। नवे ओवर की छह गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छह छक्के ठोक करके इतिहास रच दिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्या के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया लेकिन दसवें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब अर्धशतकीय पारी खेल करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज पांड्या आउट हुए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। ये बल्लेबाज एक ऐसा फिनिशर बल्लेबाज है जो सातवें नंबर पर बैटिंग करता है और सामने वाली टीम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही दसवें ओवर की छह गेंदों पर लगातार चार छक्के और दो कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। जी हाँ, वही रिंकू सिंह जो तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश की टीम क्या इसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो वह भी पानी भरते हुए नजर आएगी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए। कुछ बांग्लादेश के ऐसे गेंदबाज थे जो बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे क्योंकि भारतीय टीम के दो खूंखार विस्फोटक शेर बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म कर रहे थे। शाकिब हुसैन जब यहां पर 11वां ओवर लेकर के आए तो रिंकू सिंह 11वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया और 11वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्या को दी। सूर्या ने बची हुई दो गेंदों पर लगातार शानदार दो छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। भारतीय टीम के दोनों खूंखार विस्फोटक दिग्गज बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने छक्का ठोक दिया, 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया, 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी। सूर्य ने 12वें ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 12वें ओवर की पांचवीं बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। दोस्तों 13वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक फिर सूर्या को दी। सूर्या ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया और तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक फिर रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की बची तीन गेंदों पर शानदार गगनचुंबी तीन छक्के ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज रिंकू और सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान थे। 14वें ओवर तक जाते आते सूर्य कुमार यादव ने 200 रन ठोक दिए, यानी कि टी20 मुकाबले में दोहरी शतकीय पारी खेल डाली सिर्फ 14वें ओवर तक जाते आते और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की नींद हराम कर दी। तो वहीं 15वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार तीन छक्के तीन चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। 16वें ओवर की छह गेंदों पर चार छक्के और दो कवर ड्राइव की ओर चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का सामना करे तो करे कैसे। रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की छह गेंदों पर तीन छक्के तीन चौके फिर ठोक दिए, तो वहीं 17वें ओवर की छह गेंदों पर चार छक्के दो चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। 18वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार छह छक्के
गए रिंकू सिंह ने ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों 20वें ओवर तक जाते जाते सूर्य कुमार यादव ने 328 यानी कि तिहरी शतकीय पारी खेली और 198-198 रन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाज जो मैदान पर भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे, भारतीय टीम को पहला T20 का मुकाबला हराने के मकसद से उतरे तो काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे। सबसे पहला ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह। जी हाँ, काफी तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने पहले एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए रियान पराग ने 11 रन देते हुए एक विकेट चटका दिया। रियान पराग की गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। अक्षर पटेल 5वां ओवर लेकर के गए जहां पर सिर्फ 1 ही रन दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने एक विकेट ले लिया। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर 14 रन देते हुए एक विकेट फिर रियान पराग ने चटका दिया। तो वहीं दोस्तों 8वें ओवर की चौथी बॉल पर 11 रन देते हुए 2 विकेट अक्षर पटेल ने चटका दिए और बांग्लादेश की टीम यहां से पूरी तरीके से कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रहने लगी। लेकिन दोस्तों अभी भी बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर नहीं हुआ था। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो पूरी तरीके से फुदक रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 9वें ओवर तक जाते आते 5 विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। अब बांग्लादेश की टीम के ऊपर काफी बेहतरीन दबाव बन गया, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज अभी भी सोच रहे थे कि इस मुकाबले को हम बेहतरीन तरीके से जीत सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम को यह नहीं पता था कि भारतीय टीम को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, जैसे 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। जब रवि बिश्नोई 10वां ओवर लेकर गए तो 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। जब 11वां ओवर लेकर रियान पराग गए तो 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। जब दोस्तों 12वां ओवर लेकर के यहां पर अक्षर पटेल गए तो 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम को एक पल के लगा ऐसा लगा कि यह पहला T20 का मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफी आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, रियान पराग और यहां पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज हर्षदीप सिंह कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम को ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट रवि बिश्नोई ने लिया। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट रवि बिश्नोई के दोस्त रियान पराग ने लिया। तो वहीं आप सभी को बता दें 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर 1 विकेट अक्षर पटेल ने लिया और हर्षदीप सिंह ने यहां पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट छटका दिए और बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाजी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। 19वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और पहला T20 का मुकाबला 148 यानी कि 148 रनों से जीत लिया और बांग्लादेश की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। फिलहाल दोस्तों एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। ईश्वर से दुआ कामना बनाए रखे कि हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।